न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। शिवपुरी जिले के खरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमलार में रहने वाले प्रहलाद सिंह यादव बेटे भुजवल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया, बीती 23 मार्च को मेरा भाई बलवीर सिंह यादव खेत के कटी डली गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था, जिसके गाँव के कुछ लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी शिनाख्त की गई और फिर शिकायत भी उन्होंने खरिया थाना क्षेत्र में की। पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी शिकायत उसने एसपी से करते हुए मामले में न्याय की गुहार लगाई है। साहब, मेरे भाई का मर्डर हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। भाई साहब को बलवीर सिंह यादव सन ऑफ भुजवल सिंह यादव मर्डर हुआ। रात में खेत पर थे भाई, फसल कटी डली थी, उसको रखा रहे थे और रखवाली कर रहे थे। इसके बाद में मानो जी चार लोग थे साथ में, पकड़ के मारा। FIR हमने थाने में हमने नाम लिखवाए, हमारे कहने अनुसार पुलिस ने नाम नहीं लिखे, कोरे कागजों पर हम पर दस्तखत करा लाए और कह दी कि वो सब होगा सब होगा। कौन सी पुलिस ने? खनिया थाना पुलिस ने। हरित ऊर्जा को लेकर परिवहन मंत्रालय के प्रयास बुंदेलखंड क्षेत्र में अब अपना स्वरूप लेने लगे हैं। IGL द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुंदेलखंड के महोबा जिले में पहला डीजल डंप बस को CNG आधारित ऊर्जा में परिवर्तित करने का कन्वर्टर यूनिट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पत्थर उद्योग में हजारों ट्रक और डंपर दिन रात दौड़ते हैं, ऐसे में डीजल आधारित डंपरों को CNG आधारित ऊर्जा में परिवर्तन कर बुंदेलखंड को स्वच्छ और हरित ऊर्जा युक्त बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हांफने लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है, ना ही रात को सुकून से नींद पूरी हो पा रही है। लोग मजबूर हैं कभी छत पर सोने के लिए तो कभी घर से बाहर निकलकर टहलने को। इतना ही नहीं, काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की बार बार सप्लाई बंद हो रही है, साथ ही शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भीषण गर्मी में लोगों को बीमारियां भी जकड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र का तापमान बढ़ोतरी की ओर है, वैसे बिजली संकट भी पैदा होने लगी है। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफी समस्याएं आ रही है सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से भाग रही है, लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झांसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही 1,12,00,000 कीमत के 4 किलोग्राम अवैध गांजे सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान SP सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर SSP के निर्देशन में चलाए जा रहे बॉर्डर चेकिंग अभियान में देर रात स्वाट टीम और अक्सर थाना पुलिस टोल टैक्स के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे रोकने पर चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को जब्त करते हुए चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस टीमों ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर रखे बड़े बड़े पैकेट में छिपाकर रखा गया 450 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 1,12,50,000 रुपए बताई जा रही है, बरामद हुआ है। पुलिस ने जब टीमों ने पकड़े गए दोनों युवक अजय पुत्र हीरालाल निवासी पटियाला, विशाल पुत्र देवराज निवासी लुधियाना पंजाब बताए गए हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष रक्षा की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अपराधी पकड़े गए, जिनसे 450 किलो गाजा जो ये उड़ीसा से मध्य प्रदेश लेके जा रहे थे पकड़ा गया है। साथ में जो DCM जिसपे ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो गाड़ी और इस DCM में इन लोगों ने 300 बोरी चावल भी रखा था, जिसकी आड़ में छिपा करके गाजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मुरादाबाद में बड़े निर्यात तक CL गुप्ता एक्सपोर्ट पर मंगलवार को आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आगे विभाग की कई टीमों ने सुबह उनके घर, फर्म, स्कूल और अस्पताल समेत कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सुबह से ही IT की कई टीमों में तमाम जगहों पर छानबीन कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही जारी है। इसी बीच किसी को भी घर के अंदर या घर के बाहर को जाने की इजाजत नहीं दी गई। सभी ठिकानों में बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। बद से बदतर हालात हो चुके हैं, करीब 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लाइट नाम की चीज़ नहीं है। JE महोदय को, XCN को और ऊपर जितने आला अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उन सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई भी असर नहीं है किसी चीज़ पे भी। यहाँ किसी भी कैजुअल्टी अगर होती है तो उसका जिम्मेदार DM महोदय या प्रशासन होगा क्या?
परेशानी किस तरह की है? परेशानी ये है कि जब लाइट ही नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। पानी नाम की चीज़ नहीं है, कैंपर से किराए पे यानी मोल खरीद के पानी पिया जा रहा है, ये हालत। पथरी का इलाज कराने गए युवक का किया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान पथरी निकालने में नाकाम रहे चिकित्सक। पीड़ित युवक के गुर्दे में थी 24 एमएम की पथरी। पीड़ित युवक 10 मई को जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। 5 चिकित्सकों की टीम ने पथरी का ऑपरेशन किया। चिकित्सकों पर पथरी निकालने में नाकाम होने और 11 टाँके लगाकर पट्टी करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक और उसके परिजनों ने डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मामले की लिखित शिकायत की। पीड़ित युवक सदर कोतवाली इलाके के पंजाबियन मोहल्ले का निवासी है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय पीलीभीत का पूरा मामला। गुर्दे में जब मेरा स्टोन आया है एक्सरे के बाद, तब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया ओपीडी में, तो वहां पे जाके मुझे ऑपरेशन के लिए लिटाला गया। जब ऑपरेशन मेरा शुरू करा कम से कम 2-2.5 घंटे में मुझे वहाँ से निकाला, तो मेरी जो है स्टोन नहीं निकाल पाए, बोलना स्टोन मेरी गुर्दे में से नहीं निकाल पाए, और निकालने के बाद स्टोन मेरा जो है कहीं और पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद अब ये लोग बता नहीं रहे थे, बिल्कुल भी कोई बात नहीं बता रहे थे मेरे माँ बाप को, और जब इन पे जो है सख्ती हुई थोड़ी सी तब इन्होंने बताया कि स्टोन हमसे फिसल गया। श्रावस्ती में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही तपती सूरज की किरणों के बीच दिन में चलने वाली लू लोगों को झुलसा रही है। मौसम बदलने के आसार ना दिखने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जिले में सुबह से ही सूरज की किरणें आसमान से आग बरसा रही हैं। वहीं लगातार चल रही गर्म हवाओं से लोगों को लू के थप्पड़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी को लेकर जिले के रहने वाले अजय चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे में चिलचिलाती धूप और लू के थप्पड़े लोगों की राह रोक रहे हैं। चिलचिलाती धूप उमस भरी गर्मी से आमजन का हाल बेहाल है। चौपहिया वाहन में लगे एसी भी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ठंडी हवा नहीं बना पा रही। वहीं पंकज श्रीवास्तव बताते हैं कि हो रही भीषण गर्मी से घरों में लगे विद्युत उपकरण भी राहत नहीं दे पा रहे, जिसके चलते पड़ रही भीषण गर्मी हो रही तपन से लोग हाल बेहाल हैं। जगरू अहमद और गुड्डू वर्मा बताते हैं कि जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है शायद इससे पहले कभी नहीं पड़ी इतनी गर्मी। क्या किया जाए, 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, कहीं निकलना तो जल्दी हो नहीं पाता है। जब बहुत जरूरी काम हुआ तो कहीं निकल जाओ, वो भी पेड़ का धूप का छाया देख देख के। अब शासन प्रशासन देखो तो कोई व्यवस्था नहीं, किसे ना कहूँ पानी प्याऊ लगाए से, ना कहीं कुछ और की इससे नुस्खा मका आम पना वगैरह यही सब पिया जाता है, सतुआ पी लीन जाता है सुबेरे सुबेरे, वही गर्मी के काट होता है। एंटी करप्शन ने इस्लाम नगर थाने की महिला इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को 50,000 रुपये रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक रंगदारी के मामले में दुष्कर्म पीड़ित महिला से रकम वसूलने का मामला है। बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर का एक पूरा मामला है। चारधाम यात्रा से वापस आ रही एक बस ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोटलिया के समीप ब्रेक फेल होने से पलट गई। पुलिस और एसटीआरएफ की टीम ने बस में सवार श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। बस में 28 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें 6 श्रद्धालुओं को चोट लगने की वजह से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल भेजा गया। बाकी श्रद्धालुओं को दूसरे वाहन से हरिद्वार रवाना किया गया। देवप्रयाग थाना पुलिस के मुताबिक सुबह 4 बजे यात्रा से तेलंगाना के 28 श्रद्धालुओं को वापस लेकर बस कोटलिया के समीप ब्रेक फेल होने से पलट गई थी। 6 बजे की लगभग सूचना मिली थी कि कोड़ियाला से ऊपर सुलता घाटी के मध्य एक बस जो है पलट गई है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स सहित वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचा। वहाँ देखा तो एक बस जो यात्रियों को लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रही थी, ये बस बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस जा रही थी, या अचानक रोड पर पलटी हुई थी जिसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। मैंने अपने फोर्स की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जो घायल थे उसमें से तुरंत उनको एक गाड़ी रुका करके उनको उपचार हेतु ऋषिकेश भेज दिया। बाकी अन्य को जो है कम चोटें थी तो वो जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके किसी दूसरी गाड़ी में बिठा करके उनको जो है। चारधाम यात्रा को अब हरिद्वार और ऋषिकेश में पंजीकरण की लंबी लाइनें लगाने और कई कई दिन तक यहां रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ऐसे चारधाम यात्रा जो पंजीकरण न होने के चलते यहाँ फंसे थे, ऐसे लोगों को स्पेशल पास जारी कर चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में इसके लिए स्पेशल कैंप लगाकर देश के कई राज्यों से यहां आए यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। अब तक 10,000 ऐसे यात्रियों को चारधाम के लिए भेजा जा चुका है। डीएम हरिद्वार ने उन सभी यात्रियों से यात्रा पर जाने की अपील की है जो किसी न किसी कारण से पंजीकरण न होने के चलते यहाँ फंसे हुए थे। जो ऐसे तीर्थ यात्री जो 4-5 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए थे और किसी कारणवश वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और यहाँ पे हरिद्वार में काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, ऐसे तीर्थयात्रियों को यात्रा कराने के लिए, चारधाम यात्रा में दर्शन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे यात्रियों को जो वाकई में किसी न किसी कारणवश अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उनको ऑफलाइन हम लोग सुविधाएँ दें।
गाजियाबाद जिले के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार नाम के गंगा घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा होने के बाद सामने आने पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया। अर्की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से हस्तक्षेप करते हुए मुरादनगर स्थित घाट का नाम छोटा हरिद्वार से बदलने की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों की संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि वो स्थान कोई तीर्थ नहीं है बल्कि वहाँ गंग नहर के किनारे श्रद्धालुओं से पैसे कमाने के साथ साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल धर्मनगरी के नाम का इस्तेमाल कर हरिद्वार की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है, इसलिए ऐसे स्थान पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं वहां सामने आ रही हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से उनकी निंदा होनी चाहिए और सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्थाओं को बंद करे जहाँ पर तीर्थ के नाम पर लूट खसोट होती हो। यह मुरादनगर नहर मुरादनगर में क्षेत्र है, वहाँ पर ये नहर के ऊपर ये कार्य हो रहा है और नहर के ऊपर किसी भी पितृ कार्य को देव कार्य को करना अनुचित है। आमतौर पर आपने अभी तक पुलिस को चोरों या बदमाशों के पीछे भागते देखा होगा, लेकिन क्या कभी बंदर के पीछे कई पुलिसकर्मियों को दौड़ लगाते हुए देखा है? जी हाँ, ऐसा हुआ है यूपी के पीलीभीत में, जहां बंदर एक कोतवाली में तैनात दारोगा का फोन लेकर भाग गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी पीछे से दौड़ लगाते हुए नजर आए। दरअसल कोतवाली बीसलपुर में तैनात दारोगा थाना परिसर में बने बाथरूम में सोमवार रात को नहा रहे थे, तभी अचानक स्लिप पर रखा उनका मोबाइल फोन लेकर एक बंदर फरार हो गया। बंदर के हाथ में मोबाइल देखा पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागने लगे। बंदर मोबाइल मुंह में दबाकर पेट पर चढ़ने लगा। गनीमत यह रही कि मोबाइल बंदर से नहीं छूटा। काफी देर पुलिसकर्मी ने बंदर की खुशामद की, लेकिन बंदर तो बंदर है, वो पुलिसकर्मियों को चकमा देता रहा। बाद में बंदर को कई चीजें खिलाई गई, तब जाकर बंदर ने मोबाइल छोड़ा। फिलहाल थाने के अंदर से ही मोबाइल उड़ा ले जाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सीपी बाजार में रेस्टोरेंट में लगी आग। रेस्टोरेंट के ठीक बगल में पेट्रोल पंप होने से मचा हड़कंप। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद फटे गैस सिलेंडर। सिलेंडर फटने के बाद आग तेजी से भड़की। मौके पर पहुंचे दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 7वीं की छात्र का शव। संदिग्ध मौत पर परिवार ने जताई हत्या की आशंका। 12 साल की छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घर के पास स्थित पहाड़ में लगे पेड़ से लटका मिला शव जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार। हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से लोगों में मची अफरा तफरी। आधा दर्जन के करीब घरों में दौड़ा हाईटेंशन लाइन का करंट से एक महिला सहित 2 झुलसे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घरेलू उपकरणों के भी करंट से जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मियों को हादसे की सूचना दी। हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से विद्युत सप्लाई बाधित हुई है। कासगंज जिले की कोतवाली गंजवारा क्षेत्र के गणेशपुर गाँव का ही पूरा मामला है। वर्मा बिरादरी को गाली गलौच करना कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह सामने आ गए हैं। मीडिया को दिए बयान में बोले कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता ही नहीं हूं। बोले ये ऑडियो फेक है, मैंने ना तो कभी दुखरण नाम के व्यक्ति से बात की और ना ही मेरी पहचान है। बोले किसी भी लैब से जाँच करवा लीजिए, फिर मुझे सजा दी जाए। अगर मेरे द्वारा गाली देने की बात सही होती है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह का कथित रूप से ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह पिछले कई चुनावों को हार चुके हैं। उनका इस तरह का ऑडियो और वीडियो कई बार वायरल हो चुका है। ये 2022 का जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक वर्ग विशेष ने मेरे नाम से इस तरह का एक ऑडियो जारी किया था, जिससे मुझे 1000-2000 वोट का मुझे नुकसान भी हुआ। मैंने उस समय उतरौला थाने में FIR भी कराई थी। उसी के सिक्वेंस में 2021 में जब प्रमुखी का चुनाव हो रहा था तो प्रमुखी के चुनाव में हमारे सहयोगी बड़े भाई आदरणीय राजबहादुर यादव जी कुछ वोटरों को लेकर के आ रहे थे, जिनको लोगों ने अभद्रता पूर्वक गाड़ी रोक करके ईटा पत्थर चला के उनकी वोटरों को उतार लिया गाड़ी से, जिस पर कुछ कहासुनी हो गई थी, कुछ अभद्र बातें उन 2 लोगों को जिन्होंने अभद्रता की थी उनके लिए मेरे मुंह से निकला था। कानपुर दक्षिण जोन की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना हनुमंत विहार ने अंतर जनपदीय वाहन चोरी का खुलासा किया। इस पूरे मामले पर प्रेस वार्ता कर DCP साउथ रविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना हनुमंत विहार के द्वारा अंतर जनपदीय वाहन चोरी का खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि थाना हनुमंत विहार के द्वारा रामबाग तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चोर द्वारा बाइक चोरी कर निकलने वाले, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जैसे इनको रोका गया तो इन्होंने कागज मांगे गए तो इनके पास नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आखिरकार चोरी का खुलासा कर दिया। मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि चोर जो है बाइक से जा रहे हैं, जो बाइक चोरी की है। उस सूचना पर यकीन करके पुलिस के द्वारा जहां पे चेकिंग की जा रही थी टिकट डालकर, वहां पे इनको रोका गया। रोकने के बाद इनसे जब गाड़ी रोकी गई और उससे संबंधित कागजात जब इनसे पूछताछ की गई, मांगा गया, तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागजात उस गाड़ी से संबंधित उपलब्ध नहीं करा पाया। जिसके बाद हमने जब उसको चेक किया तो पता लगा कि इस संबंध में एक मुकदमा जो है पहले से ही चोरी के पंजीकृत है,
दिनांक 21/4/2024 को थाना हनुमंत विहार पे एक 379 का मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें बाइक चोरी हुई थी। ये बाइक जो हमारा गला मंडी है वहाँ से चोरी हुआ था। इसके बाद में इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जब विधर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये घटना का होना कबूल किया गया। सितारगंज के इस्लामनगर वार्ड नंबर 3 में फाउंडेशन और आस्था मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने चिकित्सा शिविर में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। वहीं चिकित्सा शिविर में आस्था अस्पताल की ओर से हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, महिला रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। वहीं शिविर में मौजूद हड्डी रोग विशेषज्ञ मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर में 100 से ज्यादा लोगों को मौके पर ही उपचार किया गया। वहीं जिन मरीजों को जांचों की आवश्यकता थी उन्हें आस्था अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही बताया कि अधिकतर लोगों को शिविर में ही निःशुल्क दवाएं और सलाह दी गई है। गया है आस्था मल्टी स्पेशलिस्ट और नेकी फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगा गया है, जिसमें आज सुबह 10 बजे इसको स्टार्ट करा गया था और 2 बजे तक का इसका समापन का समय था, लेकिन जब तक लोग आते रहेंगे, आ ही रहे लोग, हम देख ही रहे हैं, और 1:30 बजे तक करीब हम 125 लोगों को यहाँ, लोगों की OBD हो गई है, उनके पर्चे बन गए हैं, उनको इलाज भी करा दिया गया है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आँखों से संबंधित और हड्डियों के और पेट के जो भी जिनकी समस्याएं थी, जो यहाँ ठीक हो। लालगंज क्षेत्र में बड़ा चोरों का आतंक, अज्ञात चोरों ने तमंचे के बल पर की लूट। गौरीगंज से साढ़ू के इलाज के लिए पैसे लेकर आ रहा था पीड़ित। बिना नंबर के 2 अपाचे बाइक, 6 नकाबपोश सवार थे। नकदी पैसे समेत मोबाइल लेकर फरार हो गए। छिनाजुटी के दौरान पीड़ित के सर पर चोट आई है। पीड़ित ने लालगंज कोतवाली में तहरीर दी। लालगंज कोतवाली के गुस्साई कपूरबा पेट्रोल पंप के पास की घटना। देश में केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार की ओर से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब जल्द ही आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जहां प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिला अस्पताल उर्सला में आयुष्मान कार्ड धारकों को लेकर एक स्पेशल कार्यालय की शुरुआत मेन गेट पर की जा रही है, जहां से आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उर्सला निदेशक HD अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों को विशेष सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्यालय में स्टाफ भी मौजूद होगा, जो सर्जिकल या जनरल जिस भी वार्ड में आवश्यक होगा मरीजों को लेकर जाएगा। मर्डर के मामले में पुलिस को मिली सफलता। मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था मामला मर्डर का मुकदमा। मृतका का पति ही निकला कातिल। छोटी सी बात को लेकर दिया घटना को अंजाम। कुछ दिन पहले से चल रहे मनमुटाव को लेकर पति ने की अपनी पत्नी की हत्या। पति गब्बर ने पत्नी इंद्रावती को मोबाइल और पैसे देने के बहाने बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। शव को खेत में ठिकाने लगा दिया। बलराम पुलिस ने फॉरेंसिक और अन्य जांच के बाद 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड का शिकार हुई एक महिला को वापस कराए हजारों रुपए। इंडिया मार्ट ऐप के माध्यम से महिला के साथ हुआ था फ्रॉड। सरिया सीमेंट का व्यापार करने वाले के साथ हुआ था 2,95,800 रुपए की ठगी। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद हरकत में आई बलरामपुर पुलिस। शिकायतकर्ता की धनराशि को विभिन्न बैंक खातों वॉलेट से बरामद करते हुए पैसे वापस करा दिए गए। बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार का पूरा मामला है। बिसौरी में 24 तारीख से गायब रिक्शा चालक किशोर का अरिल नदी किनारे शव मिला है। लगातार पुलिस और परिजन गायब किशोर की तलाश कर रहे थे। पुलिस से शव मिलते ही किशोर के पिता को घटना स्थल पर बुलाया। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललवा नगला गाँव के जंगल में किशोर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। किशोर के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचे और हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने बमुश्किल परिजनों और ग्रामीणों को समझाया है। भाजपा के पूर्व पार्षद ने नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट की। कूड़ा भरने वाली रिक्शा को मोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। नगर निगम कर्मचारी ने BJP के पूर्व पार्षद पर लगाया मारपीट और जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करने का आरोप। BJP के पूर्व पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निगम के कर्मचारियों ने घेरा थाना। नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद पर कार्रवाई को लेकर बन्ना देवी थाने में प्रदर्शन किया। वही पूर्व पार्षद उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। हम बाढ़ तीस में कुछ टेररी वाले की समस्या थी कि उनके संग पूर्व पार्षद जी हैं सुरेंद्र पचौरी, उन्होंने हमारे ड्राइवर के संग बदतमीजी करी। हम वहाँ पहुँचे घटनास्थल पे, तो वहाँ हमारे जो बाढ़ सुपरवाइजर 30 के ये वहाँ पे थे मौजूद। हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने इनके साथ हमारे सामने हाथापाई की, मारा पीटी करी, प्लस जाति विभाजक उन्होंने शब्द बोले। हमने उनसे कुछ बोला तो उनके बेटा निखिल पचौरी उसने हमारे संग हाथापाई करी, प्लस उसने हमारे संग गाली का गलौज करी। हम लोगों ने अपने सीनियरों को बताया, वो लोगों ने हम लोगों के संग और ज्यादा मारापीटी करी। प्रयागराज शहर से झूसी की ओर शास्त्री ब्रिज के पहले पुलिया पर मारुति अर्टिगा कार में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गर्मी का असतम और हीट वेव के कारण यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार लकड़ी भरे ट्रक ने ऑल्टो में टक्कर मार दी। 2 महिलाओं की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
डॉक्टर ने परीक्षण के बाद दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। घायलों की हालत बिगड़ता देख मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामला नरेनी थाना के जमवारा गांव के पास का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।